कप्पू इधर आ, इधर आ। तूने तो बोला था इधर ऑडियंस नहीं लाएगा शो पे, तो इन लोग को ऊपर कह को बिठा दिया तूने। सपना क्या बोल रही है, हमारे गेस्ट हैं? हाँ, तेरे अलावा और कौन कौन मानता है कि ये गेस्ट हैं? हाँ, फिर अभी आए ले तो बात करने हैं। हाय, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं अपनी। वेरी नाइस आई लाइक। हाय परमित जी। हेलो। हाय वेरी नाइस आई सी। अब आपसे क्या बात करना, घर की मुर्गी तो दाल बराबर रहती है। है ना? तो एक काम करते हैं, सीधा मुर्गी से ही बात करते हैं। कैसी है? ओह माय गॉड, कौन है ये? माय गॉड, मैं जानती हूँ। माय गॉड, यू आर किकू शारदा। वाओ, सॉरी के सेलिब्रिटी लोग आते ना उनका नाम याद रहता, अभी आम आदमी को बिठाएंगे तो कहाँ से नाम याद रहेंगे। फिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। किकू जी आज अपनी कुकी के साथ में आए ले। आपके चीकू पिकू साथ में नहीं आए? नहीं, वो घर पर हैं। हाँ हाँ, घर पर है। खैर जोरदार ताली, बहुत अच्छा लगा। अरे आप लोग लीजिए ना, पानी है कि इधर पानी देंगे क्या? हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर आइए, आप लोग पानी लीजिए ना, आप लोग सब लोग प्लीज हैव वाटर। पानी क्यों दे रही है? पिया 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 पानी। नहीं लीजिए लीजिए। पानी क्यों दे रही है तो गरम। अरे इतने बड़े शो पे आए ले, गला सूखता है, नर्वसनेस होता है। तो पानी पियेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। लीजिए लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और तू पानी पी, अच्छे से पी, और देख एक औरत बन के काम करने में कितनी मेहनत लगती है। देख, 5 मिनट औरत बन के थक गई, हमारा सोचो जो औरतें हैं कितनी मेहनत लगती होगी। वाह, क्या सटायर मारा है, जोरदार तालियां हो जाए। मैं तो सैल्यूट करती है कृष्णा जी को। अच्छा, हाँ घर में ऐसा माहौल है, फिर भी बेचारा कितनी अच्छी कॉमेडी करता है। खैर लेकिन ना मजा का लगा, अच्छा हुआ पाई, बहुत अच्छा लगा। कृष्णा जी बता रहे थे आपको शूटिंग देखने का था ना। खाना खा के जाइएगा। खैर अभी जो इनमें से सबसे बड़े सेलिब्रिटी है ना, मैं उनसे बात करेगी। अर्चना जी भाग्यश्री कैसी है? वैसे आज आपको मजा बहुत आ रहा रहेंगे ना, आप उधर बैठे, परमित जी इधर बैठे ले। हाँ, हाँ, भाग्यश्री को उधर बिठा दो ना बैंड में। इसने पूरा पंजाब बिठाया था, आप पूरा मडेलैंड बिठाओ ना इधर। खैर एक बार कपिल शर्मा शो की फैमिली के एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप पीछे रहो, पीछे रहो। हाँ ज्यादा नर्वसनेस होगा ना, प्रॉब्लम, तबीयत खराब होंगी। हाँ सोनी टीवी का 2 एपिसोड का ग्लूकोज चूस जाती है ये। घर में कितना खाती है हमको मालूम है। खैर परमित जी खाने से आते, एक बात बताइए, आपको इधर का खाना कैसा लगा? हमको क्या पता, वो तो पहली बार आए हैं। वो तो पहली बार आए हैं, लेकिन 1.5 साल से जो पैक करा के ले जा रही है घर पे। उसका प्रोडक्शन वाले बताते ना हमको, खर्चा बहुत होता है उन लोग। लेकिन बहुत अच्छी, वेरी नाइस, अच्छा। बहुत अच्छा, इधर इतना मेहनत करते, फिर आप फैमिली का भी पूरा ध्यान देना, फिर इतने वीडियो बनाना। हाँ लॉकडाउन में बहुत वीडियो बनाए ले, कप्पू देखा तूने इनका? इतना मस्त मस्त वीडियो बनाया, इतना सारा वीडियो बनाया कि मडेलैंड में खुद का कांस फेस्टिवल कर सकती है। इनको तो कॉकरोच लोग भी देखते ना तो हाथ जोड़ देते, मैडम मेरा वीडियो मत बनाना, कहीं हिट हो गया तो मैं मर जाऊंगा। कप्पू तेरे को मालूम है, मेरे पास ना परवीन जी का एक गंदा वाला वीडियो है। क्या बोल रही है? नहीं मेरा मतलब ये बिना कपड़े के ऐसा झाड़ू पोछा मार रहे हैं। अरे वैसा नहीं, मतलब कपड़ा पहना, हाथ में कपड़ा नहीं, उसका ऐसा झाड़ू पोछा मार रहे हैं, ऐसा बोली है मैं। देखा सर मैं कितना अच्छा कवर करती हूँ। सर आप ना मेरे को 2 घंटे के लिए उधर नाला सुपर में लगेंगे। क्यों? उधर ना दारू के लिए परमिट चाहिए रहता है, तो ये परमिट को लेके जाएगी ना उधर में। आप भी आराम से आराम करिए, अब मैं उससे बात करेगी जिससे मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, ठीक है? हाँ कैसी है? बहुत अच्छा।
आप वो पिक्चर में थे ना, जंगल पिक्चर में? हाँ, आप ही थे ना वो? Of course. आप, मेरे को पता चला कृष्णा को ऐसी चीजें जंगल से ही मिल सकती है. लेकिन कृष्णा कितना अच्छा आदमी है ना, जंगली लोग को घर में पनाह दिए लाए. लेकिन पूरी दुनिया तो यही जानती है ना कि उस मोगली को इंसान किसने बनाया. इधर अपन लोग ने दो एपिसोड क्या बिठा दिए, इसकी तो आवाज निकलने लगी. खैर एक मिनट, आपने तो जंगल पिक्चर में काम किया सर, तो अपना मस्त पिक्चर बनाए थे आप. बदमाश कंपनी एक बार जोरदार ताली. पिक्चर आप डायरेक्शन भी मस्त, एक्टिंग भी मस्त करते, इन्होंने भी बड़े बड़े काम के लिए. भाई साहब ने क्या उखाड़ा, मतलब क्या खेला. ओए, इन्होंने भी फिल्मों में काम किया है. इन्होंने हाँ करेक्ट, इंग्लिश मीडियम, उसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं ना मालूम, मेरे को बहुत अच्छा स्कूल है. फिर आपको ना, मेरे को आपको एक बात बताने का था. ये इधर जो हंस रहे ना ऐसे बैठ के, वो शाणा इसने इधर एक कीकी फंसा के रखे लिए. हाँ सच्ची में कीकी. हाँ कीकी है इसकी, कैसा वैसे नहीं, बहुत सीधा लगता है. ये अकेला आदमी तो दोहरी जिंदगी जी रहे. अच्छा. हाँ एक तरफ इलू इलू और दूसरी तरफ. तेरे को बड़ा जानने का है दूसरी तरफ क्या हो रहा है. एक तो बेचारे का घर टूट रहा है, तेरे को जानने का है कि क्या हो रहा है इधर. मर्द लोग पे भरोसा नहीं करने का दीदी मैं बता रही है. सब ऐसे रहते, घर में कितनी भी सुंदर बीबी रहेंगी ना, बाहर नजर मारते ही मारते. क्यों परमित जी? छोड़ो कोई बात नहीं, सब मजाक चलते रहते. फिर मैं आपको आज जोक सुनाएगी. अच्छा, तू तो मसाज करती है. अरे नहीं, आज इसको टॉर्चर करेंगे ना इसी का जोक सुना के. ऐसा थोड़ी रहता है. अच्छा मेरे पास एक जोक है. हाँ एक सड़ेला वाला याद. गुलाब नाम के आदमी को चांद पे जाने का है तो क्या बोलेंगे? क्या? गुलाब जामुन. और हंसो, हंसने का भी रहते हैं. सेलिब्रिटी ने मालूम नहीं रहते ना इनको. सेलिब्रिटी लोग बहुत जोर जोर से हंसते इधर जब हम लोग बोलते हैं. खैर अभी मैं मसाज पे आती है. हाँ मसाज. हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज मैं पार्लर है. okay, इसी nice. का तू खाती है देख ले. हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहते हैं. तो हमारे पास है कश्मीरा मसाज. अच्छा उसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल नहीं लगाते और ऐसे ऊपर ऊपर से मसाज करके घर पे भेज देते. क्यों? अरे कश्मीरा मसाज है, कश्मीरा शाह किसी को तेल नहीं लगाती. जो तेल लगाता है वो कृष्णा ही लगाता है क्योंकि वही मेहनती है. अच्छा आप लोग उधर रहते ना मेडलैंड में, देखिए मैं आपको पानी में तैर के जाती हूँ. आप लोग के लिए मसाज है मड आइलैंड मसाज. अच्छा okay. इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते है कप्पू, हम लोग कस्टमर को तेल लगाते हैं. हाँ. फिर उसको मड में फेंकते हैं सर. अच्छा. फिर वो जैसे मड में लैंड होते है ना, वो कहते हैं आई मड आई लैंड मसाज. ऐसे हम लोग. फिर हमारे पास एक और मसाज है, द कपिल शर्मा शो मसाज. इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते हैं, एक एपिसोड रहते हैं जिसमें सेलिब्रिटी नहीं आते, ऐसे ही ये लोग सब अपने लोग को बिठाते. ऐसे बस इतना ही. अभी मेरे जाने का टाइम, मेरे बहुत कस्टमर लोग भी आते हैं. अच्छा. लेकिन मैं एक दिल से बात बोलते, आप आई ले आज, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बोलने का, दिल से मैं बोलती है कि अगर कृष्णा भैया जो है ना उनके साथ कश्मीरा जी नहीं रहती ना. हाँ. तो आज टीवी का इतना बड़ा स्टार नहीं होता. वो किधर फिल्मों में सुपरस्टार होता, मैं सच्ची बता रही हूँ. खैर मेरे जाने का, मेरे को जाने का कप्पू आ लेना.